जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक हेतवार इन्फॉर्म में। तो दोस्तों आज मैं बता दूं कि आप ये सोच रहे होंगे कि भैया आपने बोला था कि रोज़ 8 बजे आपका प्रैक्टिस सेट आ जाएगा GS का, तो दोस्तों आज क्यों नहीं आया। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मैं अभी शहर में था, भोपाल में, जहाँ मैं स्टडी करता हूँ, और मैं दोस्तों आज आया था अपने गाँव, वो भी ट्रेन के माध्यम से। तो दोस्तों रेलवे स्टेशन में होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो दोस्तों उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों अब आगे से आपको ऐसी आपकी वीडियो में डिले नहीं देखने को मिलेगा। और दोस्तों आज भी मैं आपके लिए 30 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जीके जीएस के, जिसको दोस्तों आपको करना है, और लास्ट में आपने कितने क्वेश्चन सही किया उसका स्कोर भी बताना है। और दोस्तों मैं आपको एक बात यकीन दिला दूँ कि आप जिस दिन एग्जाम में बैठेंगे आपको यहाँ से कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डिप्टो मिलेंगे देखने को आपके एग्जाम में। तो आपको दोस्तों शिद्दत से इन प्रैक्टिस सेटों को करना है, और इन प्रैक्टिस सेटों को करने के साथ साथ दोस्तों आपको जो है मैं हर एक क्वेश्चन को, हर एक ऑप्शन को एक दूसरे से रिलेट करते हुए चलूँगा। तो उसको दोस्तों आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट लगा करके अपने जो है मस्तिष्क में दोस्तों विद्यमान करना है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि भारतीय तिरंगे में स्थित सफ़ेद रंग में कितनी तिलियाँ होती है, है ना दोस्तों। तो भारतीय जो तिरंगा होता है उसमें जो सफ़ेद रंग स्थित होता है दोस्तों उसमें कितनी तिलियाँ होती है। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर है 24 होता है, या 20 होती है, या 104 होती है, या 15 होती है। तो दोस्तों आपको कॉमन सेंस से यहाँ पर जो है कुछ कुछ ऑप्शनों को काटना है। जैसे कि आपने देखे होंगे कि तिरंगे में 104 तो जो है तिलियाँ हो नहीं सकती, है ना। और आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि जो है 24 तिलियाँ तिरंगे में होती है, यही आपने कहीं बहुत सारी जगह कई लोगों के मुँह से भी सुना होगा, और आपने दोस्तों खुद देखा भी होगा, है ना। और आप एक बार देख भी लीजिएगा गिन के, है ना। तो ये हो गया दोस्तों आपका यहाँ पर 24 तिलियाँ करेक्ट आंसर। इसके बाद दोस्तों आ जाती है बात कि जो है जो तुलबुल परियोजना थी, हमारे दूसरा क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई थी, है ना। तो दोस्तों ऑप्शन है आपका झेलम नदी पर, या चिनाब नदी पर, या रावी नदी पर, या कुंभा नदी पर। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो आपकी तुलबुल परियोजना थी वो दोस्तों झेलम नदी पर निर्मित की गई थी दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व में कहवा की हांडी, इसको आपको नोट करना है अपने माइंड में कि कहवा की हांडी किस देश को कहा जाता है, है ना। तो दोस्तों मैं बता दूं ऑप्शन है यहाँ पर भारत, कोलंबिया, वियतनाम और ब्राज़ील। तो दोस्तों आज का इसका आंसर ये होगा करेक्ट कि जो कहवा की हांडी है वो दोस्तों ना ही भारत को कहा जाता है, ना ही कोलंबिया को, ना ही वियतनाम को, ये तो दोस्तों आपके ब्राज़ील को कहा जाता है। यानी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ब्राज़ील आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दोस्तों सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, है ना। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर आपके ऑप्शन इस प्रकार से है कि कोयला को कहा जाता है, या बांस को, या कपास को, या सनई को। तो दोस्तों मैं बता दूँ सफ़ेद सोना दोस्तों कपास को कहा जाता है, और कपास दोस्तों आपकी एक रबी, एक खरीफ की देखा जाए तो क्या होती है, नकदी फसल होती है। एक प्रकार से क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है दोस्तों कि कपास कैसी फसल होती है, तो कपास खरीफ की नकद फसल होती है, ये आपका आंसर होना चाहिए, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि जो है भांगड़ा किस राज्य का की नृत्य शैली है, पंजाब की है, महाराष्ट्र की है, छत्तीसगढ़ की है, या उत्तर प्रदेश की है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो भांगड़ा है ये नाम से ही आपको समझ में आ जाता है पंजाब से संबंधित है, और पंजाब की दोस्तों और एक नृत्य शैली बता दूँ तो दोस्तों गिद्धा, गिद्धा मतलब गिद्धा भी आपका जो है पंजाब से बिलोंग करता है दोस्तों, ये भी वहीं की नृत्य शैली है। और वहीं अगर से हम बात करें दोस्तों महाराष्ट्र की नृत्य शैली, तो महाराष्ट्र की नृत्य शैली में दोस्तों आ जाएगा लावणी, आ जाएगा आपका लावणी अगर से आ जाता है तो वो महाराष्ट्र की नृत्य शैली है। और दोस्तों तमाशा अगर से आ जाता है तो तमाशा भी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। और वहीं पर अगर से हम बात करें दोस्तों छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों पंडवानी हो गया, सुआ हो गया, ये कहाँ का, छत्तीसगढ़ का है, है ना। तो इसका तो ऑप्शन है यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर आपका दोस्तों पंजाब सही होगा, मतलब भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है तो शैली है तो दोस्तों पंजाब की जो है नृत्य शैली है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप अगर से भाई ये प्रैक्टिस सेट देखते हैं तो अपने साथ एक पेन कॉपी भी लेकर के बैठिएगा, क्योंकि जिस क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है वो क्वेश्चन आपको अपने पेन कॉपी में नोट कर लेना है। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन तो पूछा गया था कि भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको पंजाब का है ये तो बता ही दिया, लेकिन उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि महाराष्ट्र का नृत्य का नाम लावणी है, तमाशा है, और छत्तीसगढ़ के नृत्य का नाम क्या है, पंडवानी है, और सुआ है, ये सब बताया। तो ये सब जब दोस्तों आप एक क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, लेकिन उसके माध्यम से आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार होते रहेंगे, ये आपका प्रैक्टिस सेट कराने का मेन दोस्तों अपना मोटिव रहेगा। यानी क्वेश्चन तो एक रहेगा, लेकिन आपको उसके बदौलत मैं 3 से 4 क्वेश्चन याद करा के दूंगा दोस्तों। तो आपको दोस्तों कंटिन्यू ये जो है प्रैक्टिस सेट करना है, आपको दोस्तों बहुत सारे डिक्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। अब 6वां क्वेश्चन है कि लंदन किस नदी के तट पर स्थित है, गोदावरी,
स्प्री, सीन या टेम्स। तो बताओ दोस्तों, गोदावरी नदी के तट पर मैंने अभी पिछला प्रैक्टिस सेट कराया था, वहाँ पे बताया था कि गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो बताया था कि मैंने नासिक शहर जो है स्थित है, जो कि महाराष्ट्र का है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या पूछा है कि लंदन किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो है दोस्तों आपका टेम्स, मतलब टेम्स आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपका कथकली है, कथकली जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो मैंने दोस्तों आपको बताया था कि आपको दोस्तों कथकली यानी जहाँ पर भी कली आ जाता है और अट्टम आ जाता है उसको किससे रिलेट करना है, उसको आपको केरल से रिलेट करना है दोस्तों। मतलब आपका यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पर आपका कथकली आ गया है और अट्टम भी अगर से आ जाए, अगर से अट्टम मतलब मोहिनी अट्टम, यानी कथकली और मोहिनी अट्टम किसके हैं दोस्तों, केरल के है। और यहीं पर बात करें उड़ीसा का क्या है, उड़ीसी है। मणिपुर का क्या है, मणिपुरी है। और दोस्तों उत्तराखंड का कोई भी शास्त्रीय नृत्य नहीं है, मतलब यहाँ पर आपका कथकली किसका हो जाएगा, केरल का हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों बाल दिवस जो है आपका ना ही 29 जुलाई को मनाया जाता है, ना ही 1 जुलाई को मनाया जाता है और ना ही 22 दिसंबर को मनाया जाता है। आपका बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे तरीके से इसे दोस्तों अपने माइंड में सेट करना है। और दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों कि भूटान देश की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों बता दूँ कि भूटान देश की जो मुद्रा है वो दोस्तों ना ही दिनार है और ना ही डॉलर है और ना ही रुपया है। रुपया तो भारत की है दोस्तों। और जो आपका भूटान देश की मुद्रा होगी वो नेगुलट्रम होगी, मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर डी नेगुलट्रम करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों आप सोचते हैं कि ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा एक टेलीग्राम पर चैनल है अभिषेक जैतवार इन्फॉर्म, आप उस पर जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा तो आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ भी मिल जाएंगी। आप उसके माध्यम से जो है बिना टिक किए अपना जो है सारे क्वेश्चनों के आंसर अपने मन में बोल करके टिक कर सकते हैं, यानी पीडीएफ पढ़ के दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि मैं कितने क्वेश्चन सही कर रहा हूँ, है ना। तो ये पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएंगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। और दोस्तों आप सिंपली अगर से टेलीग्राम पर ये भी सर्च मारते हैं कि अभिषेक जैतवार इन्फॉर्म, तो दोस्तों वहाँ पर आपको दिख जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल और आप उससे ज्वाइन हो जाएगा तो आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी डेली। अब उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके 10वें नंबर का कि किसे नेताजी की उपाधि प्राप्त है। तो दोस्तों नेताजी की जो उपाधि है किसे प्राप्त है, ना ही महात्मा गांधी जी को प्राप्त है, ना ही भगत सिंह जी को प्राप्त है। भगत सिंह जी को तो शहीद आजम के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और ना ही राजगुरु जी को प्राप्त है। दोस्तों नेताजी की उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को प्राप्त है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी मैं आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है आपका ईटानगर। और दोस्तों यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर ले कि दिसपुर काय की राजधानी, तो दिसपुर दोस्तों आपके असम की राजधानी है। किसकी, असम की राजधानी है। और ये मुंबई किसकी है, ये दोस्तों मुंबई आपका महाराष्ट्र की राजधानी है ना, ये याद रखना है आपको। तो आपका आंसर नंबर यहाँ पर डी सही होगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गुलाबी, यहाँ पर गुलाबी है दोस्तों, इसको आप ठीक कर लेना कि गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जो गुलाबी शहर मतलब पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, जयपुर को जाना जाता है, जो कि राजस्थान में स्थित है। और दोस्तों भोपाल को भी नहीं जाना जाता और जोधपुर को भी नहीं जाना जाता और अजमेर को भी नहीं जाना जाता है गुलाबी शहर के लिए। गुलाबी शहर के लिए पिंक सिटी के नाम से जयपुर को दोस्तों जाना जाता है, जो कि राजस्थान राज्य में है। अब इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि रामचरितमानस के रचयिता दोस्तों तुलसीदास जी है, जिन्होंने रामचरितमानस को किस भाषा में रचा था, तो अवधी भाषा में रचा था। किस भाषा में, अवधी भाषा में रचा था, यह आपको बात याद रखना है। और अगर से दोस्तों सूरदास जो है इनकी कोई रचना पूछता है, तो सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, ये सूरदास की रचना है। और कालिदास की दोस्तों रचना क्या है, मेघदूत हो गया, फेमस रचना है इनकी। अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, ये इनकी फेमस रचना है। और जायसी की दोस्तों पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, ये सब जायसी की रचना है। तो दोस्तों मैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें मैं दोस्तों एक क्वेश्चन तो बताता ही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ उनके ऑप्शन के भी आपको दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बता देता हूँ, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट हो। और एक दिन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम जब आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, तो आप जीएस में भी महारत हासिल कर लेंगे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि कामाख्या देवी मंदिर जो है असम जो है राज्य में स्थित है। आपका असम राज्य यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। जो भी भाई अगर अपने मन में सोच रहे थे ये जरूर बताना, और आप अगर से मन में अपना आंसर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्त। आपको आप मेरे से पहले अपने मन में आंसर दे देते हैं, तो आपको कमेंट में ईमानदारी के साथ ये भी बताना है कि भैया
मैंने इतने क्वेश्चन अपने मन में सही किए थे। और दोस्तों बिल्कुल जो है आप अगर से सच्चे दिल से बताएंगे तो मैं उन बात को मानूंगा भी कि आपने इतने क्वेश्चन सही भी किए होंगे, है ना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे येल्लो सिटी के नाम से जाना जाता है। मतलब येल्लो सिटी मतलब दोस्तों पीला शहर के नाम से किसे जाना जाता है। तो आप दोस्तों सोच सकते हैं कि हमारे राजस्थान में एक जैसलमेर है जहाँ पर एक प्रकार से इसको मरुस्थल भी बोलते हैं दोस्तों, जहाँ रेत रेत पाई जाती पीली पीली। तो इसलिए दोस्तों राजस्थान का जो आपका जैसलमेर है इसे दोस्तों येल्लो सिटी मतलब पीला शहर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा टाइप मिस्टेक हो गया है, इसको आप ज़्यादा मतलब इसके लिए लोड मत लीजिएगा कि मलेरिया निम्न में से किसके कारण होता है। तो दोस्तों मलेरिया आपका किसके कारण होता है, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है। मैं आपको दोस्तों इसका जो है नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन को ले लूँगा, आपको इसको यहाँ पर नहीं रखना है, अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, दूध उत्पादन से है, या तिलहन उत्पादन से है, या अनार उत्पादन से है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि अनार तो यहां पर आपका कोई होगा ही नहीं, श्वेत क्रांति से संबंध है सीधा दोस्तों दूध उत्पादन से। और दोस्तों एक प्रकार से देखा जाए तो नीली क्रांति का संबंध किससे अगर से प्रश्न में आ जाता है तो वो मछली उत्पादन से होता है, और पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से होता है दोस्तों। तो यहां पर श्वेत क्रांति पूछा है तो आपका दूध उत्पादन से होगा। और दोस्तों इसके दोस्तों पूछा भी जाता है कि इसके जो है जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को इनके जनक के नाम से जाना जाता है। कहीं आप कई बार एग्जाम में आता है दोस्तों, आपको ये बात को याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को कर देता है, क्या कर देता है। तो दोस्तों मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बताऊंगा, अम्ल के लिए दोस्तों आपको अनिल शब्द याद रख लेना है। क्या अनिल, अम्ल को आप अनिल मान लीजिए तो मतलब इसका हो जाएगा अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है अनिल से। और क्षार दोस्तों जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा तो वो क्षार का हो जाएगा, वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा क्षार। ठीक है, लेकिन अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, आपका ऑप्शन नंबर ए लाल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मैं दोस्तों तो बता दूं कि मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, 7 जो भी भाई अपने मन में सोच रहे थे 7.4 यही आपका आपका करेक्ट आंसर होगा 7.4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो बल है, बल की परिभाषा ही होती है कि बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु के विराम तथा गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है, यानी वस्तु के विराम और गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। ये बल की दोस्तों डेफिनेशन है, और बल का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, न्यूटन है। क्या है आपको अच्छे से याद रखना है, न्यूटन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मर्मिकोलॉजी का संबंध किससे है, मतलब मर्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मर्मिकोलॉजी में जो चींटियां होती है उनका अध्ययन किया जाता है, यहां पर आपका चींटियां करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कुत्ते के काटने से दोस्तों जो भी रोग होता है उसे रेबीज रोग कहते हैं। इसके लिए दोस्तों रेबीज रोग का टीका भी लगाया जाता है। अगर से आपके एरिया में भी कोई किसी आपके पड़ोसी को भी या किसी को भी अगर से आपको भी कभी कुत्ता काट लेता है तो आप रेबीज रोग का टीका जरूर लगाइए। अगर से आप ऐसा नहीं लगाते हैं तो दोस्तों आगे चल के आपको आप कुत्ते जैसी हरकतें भी कर सकते हैं, आपको पानी से भी डर लग सकता है, और कुछ भी करके दोस्तों आप एक प्रकार से अपने खुद की दोस्तों जान से हाथ भी धोकर बैठ सकते हैं। तो इसका मेरा मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को अगर से कुत्ता काटता है तो दोस्तों रेबीज रोग का टीका जरूर लगाइएगा, ये आपका यहाँ पर आंसर है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो मैंने अभी बताया था आपको श्वेत क्रांति के दोस्तों का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति का संबंध आपका दूध उत्पादन से है, और इसके जनक वर्गीस कुरियन है ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है, रजत क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो रजत क्रांति है, रजत क्रांति का संबंध किससे है, अंडा उत्पादन से है। तो जो भी भाई यहाँ पर ए ऑप्शन कर रहे हैं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर दूध उत्पादन का तो संबंध किससे होगा दोस्तों, श्वेत क्रांति से होगा, लेकिन यहाँ पर रजत क्रांति पूछा गया है तो यहाँ पर आपका अंडे उत्पादन से रजत क्रांति का संबंध होगा। इसके बाद दोस्तों अभी अपने 4 क्वेश्चन बचे हैं, 4 क्वेश्चन अपन फट से करते हैं, उसके बाद दोस्तों आपकी क्लास एंड हो जाएंगी। और आपको एंड में बताना भी कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो शक्ति होती, विद्युत शक्ति होती है, मतलब विद्युत पावर होती है, उसकी इकाई क्या है। तो दोस्तों बता दूं कि जो विद्युत शक्ति होती है उसकी इकाई दोस्तों वाट होती है, और एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है, आपके एग्जाम में देखने को कहीं भी मिलेगा ही मिलेगा आपको, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप क्या होता है। लोहे का जो सबसे शुद्ध और वाणिज्यिक रूप क्या होता है, तो वो दोस्तों होता है आपका पिटवा लोहा। जो भी भाई पिटवा लोहा अपने मन में आंसर दे रहे थे वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। और आपको स्कोर तो बताना ही बताना है। अब इसके बाद दोस्तों
न्यूटन का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है, पहला है, दूसरा है या तीसरा है या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको इसमें तीन चीज़ बता दूं दोस्तों, न्यूटन के तीन नियम थे। पहला तो नियम न्यूटन का ये था कि यदि कोई वस्तु मेज पर रखी है तो वो मेज पर ही रखी जाएंगी जब तक कि उसे बाह बल लगाकर उस पर हटाया ना जा सके। मतलब यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेंगी तब तक जब तक कि उस पर कोई बल न लगाया जा सके, ये पहला नियम था। दूसरा नियम था दोस्तों एफ बराबर एम ए, ये दूसरा नियम था। और तीसरा नियम था दोस्तों आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसमें जैसे कि मान के चलिए तोप से गोला छोड़ने पर तोप के पीछे की ओर धक्का लगता है, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। और कोई भी क्रिकेटर दोस्तों कोई भी बाल को कैच करने से पहले अपने हाथों को पीछे खींचता है, ये भी न्यूटन का कौन सा नियम है, तीसरा नियम है। मतलब तीसरा आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तीसरा वाला आपका यहाँ पर जो है नियम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों न्यूटन का दूसरा नाम नियम क्या है, तो मैंने अभी बता दिया एफ बराबर एम ए, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपका 29वां क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। मैंने आपको फिर कल ही बताया था जो प्रैक्टिस सेट करवाया था उसमें कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी रोग होता है, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों मैं ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आपको ये क्लास के एंड में बताना है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है और विटामिन डी हमको कहाँ से मिलती है ये भी बताना है, ठीक है ना। मैं आपके लिए उम्मीद करता हूँ कि ये होमवर्क वाला क्वेश्चन आप कैसे भी मुझे ज़रूर बताएंगे, और आपका आज का स्कोर क्या था ये भी ज़रूर बताएंगे, और आज की क्लास कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएंगे, और दोस्तों कितने भाइयों को क्लास पसंद आ रही है ये भी बताएंगे। तो दोस्तों मिलेंगे जल्द ही कल वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो को देख लेना, हालांकि मैं भोपाल से अपने गांव आया था तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया रेलवे स्टेशन में होने के कारण, जिसके कारण मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, और आपको अब डेली क्लास मिलती रहेंगी। तो दोस्तों मिलेंगे जल्दी अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।